हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चाले। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्नैपचैट पे आप लोग जो ऑनलाइन फ्रेंड होते उन्हें आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक तरीका यहाँ पर यूज़ करना है जिसका नाम है ऐड फ्रेंड। तो सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पर स्नैपचैट ओपन करके लेना है और जैसे ही आप लोग ने स्नैपचैट ओपन करके लिया, यहाँ पर दोस्तों कॉर्नर पे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा ऐड फ्रेंड। तो चलिए इसे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आपके नीचे यहाँ पर ऑनलाइन फ्रेंड यहाँ पर बता रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर इसमें से कोई फ्रेंड को ऐड करना है तो क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल इस तरह से जो सामने ऐड लिखा हुआ है इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये ऐड चला गया। अभी दोस्तों यहाँ पर जो सामने वाले ने हमें एक्सेप्ट किया तो एक नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक मैसेज कर सकते हो उसे, जैसे कि मैं अभी भी मैसेज कर सकता हूँ। ये देखिए, हाय, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वहाँ से अभी तक ऐड नहीं हुआ है, इसलिए ये मैसेज आपका कुछ काम का यहाँ पर आने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिन में आप लोग जितने चाहे उतने यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड। तो इस तरह से दोस्तों आपको फ्रेंड बनाना है। अगर दोस्तों किसी का नाम सर्च करके आप लोग अगर आईडी उसकी ली हो अपने स्नैपचैट की, तो क्या करेंगे, ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे कि यहाँ पर मैं इस फ्रेंड को, यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड है, इसका मैं यहाँ पर देखिए रुबिया खान, तो यहाँ पर मैं खान लिखूँगा, ये मेरी फ्रेंड है। तो देखिए वो नाम से यहाँ पर आईडी आ जाते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट आईडी होना चाहिए तभी आप लोग उसे सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजो। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूज है कि कौन फ्रेंड है मेरा, तो जितने भी आपके नाम में जितने आते हैं आप लोग उनको ऐड कर सकते हो अपने फ्रेंड लिस्ट में। तो सिंपल आप लोग इस तरह से आप लोग भेज सकते हो। चलिए दोस्तों, किस तरह से लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।